सबसे पहले मैंने blogger.com खोला अपना। और साइन इन हो गई, मेरे पास पहले से बना हुआ है ब्लॉगर का अकाउंट। अपने अकाउंट से साइन इन होंगे आप लोग। अब ये हमारा, अगर हम व्यू पोस्ट करें, एक पहले ब्लॉग बनाया था जो सिंपल ब्लॉग है, मैं देखती हूँ उसके ऊपर किस तरह की मेरे व्यू है। ये सिंपल व्यू है जैसे आप लोगों के सबके पास इसी तरह का इनिशियली टेम्पलेट आ रहा होता है, ठीक है ना। इसके अंदर मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, एक डमी पोस्ट है, सिंपल पोस्ट, अभी कोई ऐसी चीजें नहीं, वो मैं डेमो करने के लिए बता रही थी। अब मैं यहाँ पर आप लोग को थीम चेंज करना सिखा रही हूँ, कैसे थीम चेंज होगी। थीम चेंज करने के लिए आप या तो यहाँ पे से जो इनमें से कोई अगर आपको अपने हिसाब से समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो दो चीजें ले रहे हैं, दो वेबसाइट्स जिनका मैंने आपकी उसमें डाला है, क्लास क्लास वर्क में, क्लासरूम में, स्ट्रीम पे भी डाल चुकी हूँ। तो यहाँ से आप लोग उठाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बी टेम्पलेट्स, और मेरे पास ये खुले हुए ही हैं पहले से। तो इसमें से कोई से आप देख के डाउनलोड कर लें टेम्पलेट। मसलन मैंने, मुझे चाहिए था कौन सा टेम्पलेट, मैं बहुत सारे पहले भी कर चुकी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। एक ये माया का भी अच्छा सा है, चलो एक ये डाउनलोड करके दिखाती हूँ मैं। ग्रिडस्टर डाउनलोड करते हैं, ग्रिडस्टर मुझे अच्छा लगा था, इसको डाउनलोड किया, फ्री डाउनलोड पे आई। और ये ग्रिडस्टर डॉट जिप मेरे पास डाउनलोड हो गया, इसको मैंने शो इन फोल्डर किया। क्लोज, एक्सट्रैक्ट टू, ये डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ग्रिडस्टर के नाम से अनजिप हो जाएगा, ठीक है। अब ये अनजिप हो गया, तो अब यहाँ पे हम, जहाँ पे हमारा ब्लॉग क्रिएटिंग का काम कर रहे थे, हम यहाँ आएंगे और यहाँ पे आकर आप अपने पास रिस्टोर करेंगे। क्या करेंगे, रिस्टोर यानी आप अपलोड कर रहे हैं नई थीम, अपलोड करने जा रहे हैं हम नई थीम। और यहाँ पे कहाँ पे था हमारे पास, डाउनलोड्स के अंदर, तो मैं गई दोबारा से डाउनलोड्स में, और डाउनलोड में ये ग्रिडस्टर का जो रिसेंट है तो वो आ गया उसका फोल्डर। और ये ग्रिडस्टर की एक्सएमएल फाइल, डॉट एक्सएमएल आप उठाएंगी, कॉपी, इसको क्लिक किया, ओपन, रिस्टोर्ड थीम आ गया, थीम प्रीव्यू इज अनअवेलेबल। देखते हैं इसके ऊपर इसने क्या व्यू दिया है। अब मैं अपना जाके व्यू ब्लॉक करती हूँ। ये देखा आप लोगों ने कि किस तरह से एक प्रोफेशनल लुक आ रहा है मेरे थीम का, थीम डालने की वजह से। अब मैं अगर एक और ब्लॉग पोस्ट ऐड करूंगी, एक डमी पोस्ट एक और ऐड करके देखते हैं कि किस तरह से ये दोबारा से हमको शो करेगा। सही है, अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करके देखती हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, ये लेटेस्ट आपका इस तरह से आएगा। फिर अब इसको आप व्यू पोस्ट करके देखेंगे क्या कैसा लुक आता है हमारे टेम्पलेट का। सही है, इस तरह से आ रहा है। अच्छा, एक चीज और अभी देख लें आप लोग, मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाया था ये चीज करा कि हम एक सब्सक्राइबर फीड बर्नर डालने का मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोग को। इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं, सब्सक्राइबर फीड बर्नर क्या चीज होती है। ये पेजेस क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली हम फीड बर्नर इसलिए लेते हैं कि हमें हमें अपने कस्टमर्स को अपना फीड
फॉलोअर बनाना है मुस्तकिल, आप जैसे अपडेट देखते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आप अपडेट सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके बार बार अपडेट्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, ये मेरी फूड डायरीज मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे बताती हूँ कि ये आरएसएस फीड हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके क्रिएट करेंगे आप लोग, अपने ब्लॉग के अंदर, ये मेरा ब्लॉग है जैसे आपका ब्लॉग होगा, उसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में जाके हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरी फूड डायरीज के फूड के हिसाब से थी, तो फूड के हिसाब से हो या म्यूजिक के हिसाब से हो, बिल्कुल रिलेटेड टू योर ब्लॉग आपका इसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर फेव आइकन भी चेंज किया था हम लोगों ने, फेव आइकन चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिंपल फाइल होती है फेव आइकन की, जिसको हम इस अकाउंट से लेते हैं, कौन सी है, favicon.io, ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपनी पसंद से favicon क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसका सेटिंग्स आप लोग को दोबारा दिखाऊंगी कि सेटिंग्स में हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को सेट किया था, और उसके लिए हमने किया, ये गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी असल में यह होती है कि हम मेजर करना चाहते हैं कि हमारे कितने फॉलोअर्स आ चुके हैं अब तक, कितने हमारे व्यूज बन रहे हैं, और अपने ग्राफ को, क्योंकि जाहिर है हमारा मकसद ब्लॉग बनाने का ये है कि हम ब्लॉग के जरिए अर्न करें, ठीक है। अगर मेरी कोई ब्लॉग पोस्ट बहुत अच्छी है और जिसके बहुत ज्यादा ऑडियंसेस आ रहे हैं, रीडर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसकी और प्रमोशन करूं ताकि और मेरे ऑडियंस बढ़े। जितनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है आपकी ब्लॉग पोस्ट ऊपर होती चली जाती है। तो ये गूगल एनालिटिक्स का काम ये होता है कि गूगल आपकी सारे ऑडियंसेस को, किस एरिया और किस जेंडर के लोग आपके पास ज्यादा आपको फॉलो कर रहे हैं, उसको टारगेट करता है और आपको रिपोर्ट शो करता है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि वो आपको रिपोर्टिंग करता है कि आपके कौन से फॉलोअर्स हैं। तो गूगल एनालिटिक्स पे आप लोग जाएंगे, सिंपल मैंने लिखा है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, फर्स्ट जो लिंक आया उसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा एक पैनल आ रहा है जिसके अंदर हमारे ऑडियंस बिहेवियर पे जाके हम लोगों ने क्या किया था, क्रिएट किया था अकाउंट को। मेरे पास पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, मैं दोबारा उसको क्रिएट नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरा ये फूड डायरीज का देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये मेरे पास क्रिएट हुआ हुआ है। आप लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट सिर्फ आप लोग को करके बता रही हूँ, इसके अंदर नहीं पड़ी हुई, सही है, ये देखिए इसके ऊपर मेरी सेटिंग्स में गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी नहीं पड़ी हुई है, सही है। यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी आईडी डालनी है, मैं ब्लू बी ब्लॉक को लेके चलती हूँ और ये व्यू ब्लॉक किया, इसको कंट्रोल सी करोगी, सही है, अपने वेबसाइट के, ये जो वेबसाइट ही है ना एक तरह से वेबसाइट है ब्लॉग आपकी, कंट्रोल सी किया और उसके लिंक को आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दोगी, https करोगी इसको, और यहाँ से https को डिलीट किया, खाली आपका जो भी वेबसाइट नेम है, मेरे पास फर्स्ट टाइम andreza110.blogspot.com डाला था, और इंडस्ट्री इसकी ऐसे ही है, कोई एजुकेशनल है वो जरा सा एजुकेशनल, इस पर कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, रिपोर्टिंग टाइम पाकिस्तान का कर लें हम, सही है, पाकिस्तान कर लिया, क्रिएट, इधर भी यहाँ पे यही काम करेंगे आप, दोबारा से पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, PAK पाकिस्तान आ गया, इसको क्लिक किया, I accept again and I accept, सक्सेस हो गया, इसका नाम, अब ये जो ट्रैकिंग आईडी है ना, ये इसको करेंगे आप उठा के कॉपी, चलो ये डबल क्लिक करके मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल सी, और फिर ले जाके इसकी सेटिंग्स पर ये प्रॉपर्टी आईडी क्लिक की और कंट्रोल वी, सही है, ये सेव कर लिया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फेव आइकन भी इसका चेंज कर दूंगी मैं, आप लोगों को चेंज करना आ जाएगा मेरा ख्याल है, इतना मुश्किल काम नहीं है वो, उसको आप लोग देखो खुद ही से, कुछ खुद भी कर लेंगे तो अच्छी बात होती है। अच्छा अब आगे चलेंगे हम, https रिडायरेक्ट ब्लू बी ब्लॉग नहीं, यहाँ पे हमको फीड बर्नर को करना था, मैं फीड बर्नर की चीज एक और मतलब आप लोगों को दिखा देती हूँ, नीचे जाएंगे और फॉर्मेटिंग
इन्हें अगर आप ये इनेबल सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये आपकी फिर गूगल रैंकिंग करना शुरू कर देगा। मैं फिलहाल मेरे पास हमारे पास कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो कंटेंट ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसकी सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे ताकि एसईओ करने में हमें आसानी हो जाए अपने कीवर्ड्स को टारगेट करने में। ठीक है, आगे फिर बढ़ के हम देखते हैं ये robots.txt को भी इनेबल कर लीजिए और नेक्स्ट इसकी हाँ मोनेटाइजेशन भी हम इनेबल करेंगे ताकि हम एडसेंस ऐड कर सकें अभी, लेकिन हमारे पास कंटेंट बहुत कम है इसलिए मोनेटाइजेशन ऑन करने का फायदा नहीं होगा। साइट फीड पे जाइए, अलाउ फीड ब्लॉग फीड। अब मुझे यहाँ पे ब्लॉग फीड करवाना है, इसको सेव किया और पोस्ट फीडबैक रीडायरेक्ट, फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, फीड रीडायरेक्ट यूआरएल यानी कि वही चीज है जो हम लोग ने यहाँ पे फीड बर्नर से यहाँ से अपना ब्लॉग का वो उठाया हमने, कंट्रोल सी किया इसको और कंट्रोल वी किया, नेक्स्ट। सही है, इसको फर्स्ट वाले पे ही क्लिक रहने देना है, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। इज ऑलरेडी टेकन, क्या मेरा बना हुआ था ब्लू बी ब्लॉक का? देखना पड़ेगा, जब मैं ऐसा करती हूँ कि कोई और नाम सजेस्ट कर लेती हूँ, नेक्स्ट करती हूँ उसके ब्लू बी ब्लॉग आइटम, नेक्स्ट। फीड टाइटल ब्लू बी ब्लॉग के बजाय मैं कर लेती हूँ 2020 डाला, उसको नेक्स्ट किया, फीड टाइटल में चेंज किया, नेक्स्ट किया और विदाउट सिलेक्टिंग एनीथिंग हम नेक्स्ट करेंगे, ये कोई ऐसी वो नहीं है, सब सही है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगी तो ये एक नया आपका फीड बर्नर यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये रीडायरेक्ट करेगा आप लोग के इस पे। इसको कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल ही डालना चाह रहे थे ना, ये ब्लॉगर सेटिंग्स के अंदर ये कह रहा है यूआरएल डाले पोस्ट फीड रीडायरेक्ट कि जहां से आपकी पोस्ट फीडबैक फीड रीडायरेक्ट यानी छोटे छोटे उसका उसके लिंक्स कहीं पे भी वो स्पॉटलाइट करेगा, उसको फीड्स को शो करता है, फिर अगर आपको सब्सक्राइबर होगा तो वो आपके सब्सक्राइबर्स को इसी ब्लॉग के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया करेगा, तो ये आपका फीड रीडायरेक्ट बिल्डर होगा। ठीक है, ये एक क्लिक किया आपने, ये इस तरह से आपका ऐड हो गया। फिर हम यहाँ पर ही फीड बर्नर के अंदर ही एक चीज देखते हैं, वो चीज थी पब्लिसाइज। पब्लिसाइज ऑप्टिमाइज नहीं, मुझे ईमेल चाहिए, सब्सक्राइबर ईमेल, ईमेल योर फीड इज नो सो न्यू वी आर स्टिल प्लेइंग विद द बबल रैप। अच्छा, अभी जरा सा थोड़ी देर बोल रहा है कि थोड़ी देर रुक जाए, तो अभी हम थोड़ी देर इस पर रुक ही जाते हैं। हाँ चलो हो गया, इसके अंदर देखें यहाँ पे ईमेल सब्सक्रिप्शंस का है, इस ईमेल सब्सक्रिप्शंस को हम चाहते हैं कि एक्टिवेट करवा लें और इस एक्टिवेशन की वजह से हम क्या होगा कि हमारे यूजर्स हमारे वेब ब्लॉग पे आएंगे और अगर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो दे विल बी एबल टू सब्सक्राइब टू आवर ब्लॉग। तो यहाँ पे हम एक्टिवेट करेंगे इसको, ठीक है, और ये जो आया एक फॉर्म हमारे पास इधर नीचे, इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके आपके अगेन यू आर गोइंग टू गो टू योर ब्लॉग सेटिंग्स, यहाँ पर आप लेआउट देखते हैं कैसा है इसका। हाँ, लेआउट के अंदर हम एक गैजेट ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन का, इसमें इन्होंने बंद किया हुआ है लेकिन हम ऐड गैजेट कर लेते हैं यहाँ पे, ऐड अ गैजेट और हम यहाँ से लेंगे HTML JavaScript, प्लस किया इसको तो ये आ गया, यहाँ पे लिख दो सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और इसको यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया,
सेव। अब ये हमारे पूरा ये लेआउट दिखा रहा है, ये साइड बार पे सब्सक्रिप्शन का एक वो आएगा, और इसको मैं रिफ्रेश करके देखती हूँ कि ये किस तरफ आ रहा है हमारे पास। ये देख रहे हैं आप लोग साइड बार पे सब्सक्रिप्शन आ गया, इसके इसके अंदर यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है वो जो दूसरी थीम आप लोग डालेंगे उसके अंदर कहीं और शो हो रहा हो। ये ब्लू बी ब्लॉक के अंदर हुआ है, वो वाली चीज मैं आप लोग को पहले उस दूसरे उसमें करके दिखा चुकी थी, इसलिए मैंने ये भी फिलहाल ऐसे ब्लॉक पे किया जहाँ पे मैंने नई सब्सक्रिप्शन ऐड की है, साथ में आपका डिलीवर्ड बाय फीड बर्नर लिखा हुआ रहा है क्योंकि हमने वहां फीड बर्नर से ये वाला मेल उठाया था। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई, समझ आ गई। अब आप लोग को अपने पास तीन काम करना है, तीन नहीं बल्कि चार काम करने, मैं और लिस्ट को एडिट करके डालती हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग।